हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नरेंद्र, आप देख रहे हैं पहाड़ी सुर ब्लॉगर। इस वीडियो को मैं आज बैठे बैठे शूट कर रहा हूँ क्योंकि इसका व्लॉग वाला पार्ट उसमें मैं शूट कर पाया नहीं खुद को। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ जो इस टाइम रेलवे का जो नया हॉस्पिटल बना हुआ है श्रीनगर गढ़वाल में, रेलवे लाइन की सुरंग के बिल्कुल ऊपर से था तो उसको उन्होंने डिस्प्लेस कर दिया है और एक नया ही हॉस्पिटल बनाया हुआ है बिल्कुल मॉडर्न तरीके से। वीडियो में मैं उसी चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने वहाँ के थोड़े जो साइट इंजीनियर्स थे थोड़े उनसे भी बात करी, बट अनफॉर्चुनेटली उनके कुछ रूल्स और रेगुलेशन की वजह से उन्हें वीडियो में लाना बहुत मुश्किल था। तो उनसे प्राप्त जानकारी और थोड़ा बहुत और इन्फॉर्मेशन के अनुसार मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच और वीडियो शुरू करते हैं, चलो। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको रेलवे द्वारा बनाया गया न्यू हॉस्पिटल दिखाऊं, थोड़ा सा पुराने वाले हॉस्पिटल की जो हिस्टोरिकल यात्रा है उस पर भी एक नज़र डाल देते हैं। तो श्रीनगर गढ़वाल पहले से ये केंद्र रहा है जहां हर तरह की गतिविधियां पूर्ण होती थी और राजवंशों के समय से ही इसे काफ़ी महत्व दिया जाता था। समय समय पर श्रीनगर में विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों की व्यवस्था की जाती थी, उन्हीं में से एक है ये राजकीय संयुक्त अस्पताल श्रीनगर गढ़वाल। और अभी मैं इसके प्रांगण में पहुंच चुका हूं और आप लोग सरप्राइज हो सकते हैं कि कोई दिख नहीं रहा है, यहाँ इतना खाली खाली सा फील हो रहा है। दरअसल इसका सारा कामकाज ऊपर के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है और यह सोचना बेहद ही अजीब है कि ये अब ये हॉस्पिटल बंद कर दिया गया है, क्योंकि समय समय यहाँ पर दूर दूर से लोग इलाज के लिए भीड़ लगा कर आते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीनगर शहर जो है ये काफ़ी सारे गाँव के या फिर काफ़ी सारे ज़िलों के जो सेंटर में है वहाँ पे स्थित है और काफ़ी अच्छी मेडिकल सुविधाएं फैसिलिटीज़ यहाँ पे पहले से प्रोवाइड हो जाती थी, तो इस वजह से लोग जो है यहाँ आना पसंद करते हैं। ऊपर से सरकारी हॉस्पिटल भी है तो थोड़ा बहुत जिनका मतलब ज़्यादा खर्चा हो रहा होता होगा तो उनसे ठीक ठाक अपना इलाज करवा के जाते थे, तो इस वजह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखती थी। लेकिन अब ऐसा है कि अब बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। अब मैं आपको थोड़ा आगे ले चलता हूँ और लेट्स डिस्कवर सम मोर थिंग्स अबाउट इट। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ जो औपनिवेशिक काल था उनकी इमारतों जैसा है, तो जी हाँ, आपने सही सोचा। दरअसल ये हॉस्पिटल सन 1920 का बना हुआ है, 1920 का, जो कि अंग्रेजों का समय हुआ करता था। ब्रिटिश गढ़वाल का राज्य जो है चरम पर था उस समय का बना हुआ है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर में कुछ कॉलोनियल पुट देखने को मिलता है। और गजब की बात यह है कि तब से ही अभी तक टिका हुआ है और करीब 100 साल पुराना है। आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है अभी तक वैसे टिका हुआ और ऊपर लिखा हुआ है 1920 का ये बनाया गया है। और लेकिन अब इसकी जो कंडीशन थी वो ख़त्म होने लग गई थी, तो इस वजह से भी इसका एक पतन का ही कारण भी है। इतना पुराना और ऐतिहासिक इमारत अब रेलवे के प्रोजेक्ट में आने की वजह से डिमोलिश करी जा रही है, क्योंकि सुरंग इसके नीचे से ही ऊपर जाने वाली है। अब आपको ले चलता हूं नए हॉस्पिटल की तरफ और देखते हैं कि कितना इस पर काम किया गया है। यहां तक जाने का रास्ता पुराने हॉस्पिटल के बगल से ही पड़ जाता है और लगभग 100 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, जो कि पुराने हॉस्पिटल से हाइट में थोड़ा ऊंचाई पे स्थित है। ओके, तो अभी आप सामने देख रहे हैं राजकीय संयुक्त उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर गढ़वाल, जिसे बनाया है रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा। इसे बड़े ही भव्यता और आधुनिकता से ओतप्रोत बनाया गया है। अब थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन बताता हूँ इस हॉस्पिटल के बारे में आपको। करीब 4000 स्क्वायर मीटर के एरिया पर बसाया गया है, कि जो कि लगभग होता है 4800 गज, और 52 बेड्स के साथ एक ग्राउंड फ्लोर है और टू स्टोरी बिल्डिंग है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर प्लस टू स्टोरी बिल्डिंग है। लिफ्ट वगैरह की व्यवस्था भी करी गई है और पार्किंग और कनेक्टिविटी विद रोड्स भी काफ़ी मॉडर्न तरीके से प्रोवाइड करी गई है। और आप जैसा स्ट्रक्चर देख रहे होंगे काफ़ी बड़ा है, चौड़ा है और इसका प्रांगण भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। नीचे से ही सारा का सारा व्यू है ये आपके पुराने हॉस्पिटल का आता है, ये बड़े से बरगद के पेड़ के बगल में ये आप देख सकते हैं। अब मुझे साइट इंजीनियर सर भी यहीं पे मिले, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन की वजह से मैं उन्हें वीडियो में नहीं ले पाया, क्योंकि उनके यहाँ कुछ ऐसे रूल्स हैं कि आपको ऐसे पब्लिकली जानकारियाँ नहीं देनी है, जैसे कि यूट्यूब वगैरह पर अपलोड करना। लेकिन उन्होंने अपनी काफ़ी जानकारी इसके बारे में दी, जैसे कि लगभग 2 साल में बनाया गया इसको,
जो कि कोरोना काल की वजह से बढ़ गया था, और इसका जो प्रस्तावित समय था वो करीब एक साल या फिर 7-8 महीने में बन जाना चाहिए था, बट कोरोना की वजह से लंबा चल गया। और इसे बनाने में कितनी परेशानियाँ हुई वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। अभी आप जितने भी वॉक अराउंड शॉट्स देख रहे हैं उनमें से कुछ मुझे साइट इंजीनियर सरदार की हेल्प से मिले हुए हैं, तो एक बार उनका धन्यवाद कर देना आप लोग। बाकी पूरा ना, लेकिन मैं पूरी वीडियो नहीं डाल सकता क्योंकि कॉपीराइट का भी सीन होता है। इस हॉस्पिटल का शिलान्यास 28 जनवरी 2021 को ही अभी रिसेंटली हुआ है, और जिसे करा था हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, और इसको बनाने में करीब करीब 16 करोड़ रुपये की लागत आई है, जो कि इस पे साइन बोर्ड पे साफ साफ लिखा है, आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ये है ओल्ड हॉस्पिटल का टॉप व्यू, मतलब नए वाले हॉस्पिटल से पुराने वाले हॉस्पिटल का ऊपर से व्यू। ये शिलान्यास बोर्ड आप वीडियो पॉज करके इसमें डिटेल्स पढ़ सकते हैं। अब इस नई इमारत के अंदर आके जो डॉक्टर हैं वो भी खुश होंगे क्योंकि काफ़ी समय बाद उन्हें ऐसा देखने को मिला है। अब उम्मीद करते हैं कि उनकी हैंडराइटिंग भी सुधर जाए। यहाँ हॉस्पिटल के बाहर गढ़वाल के राजशाही समय के प्रसिद्ध चित्रकार और कवि श्री मोलाराम तोमर जी की भी एक प्रतिमा बनाई गई है, जो कि लोगों को अपने क्षेत्रीय नायकों को वैल्यू देने की प्रेरणा देगा। तो ऐसा कुछ है ये हॉस्पिटल जो कि बनाया गया है रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा पुराने हॉस्पिटल की से थोड़ा सा ऊपर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। Thank you so much.